सो क्या हाल चाल है मेरे भाई लोग का बढ़िया। सो एक और बहुत बड़ा न्यूज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है टॉक्सिक मूवी को लेकर। भाई ये न्यूज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, खतरनाक ऐसे भी है भाई कि ये फुल में ना बहुत बॉलीवुड के ना बड़े बड़े एक्टर लोग की एंट्री हो चुकी है। अभी तुम लोग लग रहा होगा कि भाई संजू ये करीना कपूर की एंट्री को लेकर तुम बातें कर रहे हो, तो उनकी तो एंट्री हो ही चुकी है, उनके अलावा भी एक दो और एक्टर लोग की एंट्री हुआ है बॉलीवुड से। बात करें तो कौन कौन है और इसके अलावा भाई ये टॉक्सिक मूवी के जो मेकर्स ना ऑडिशन के लिए भाई बोले हुए थे, 25 तारीख तक ही डेट था ऑडिशन को भेजने के लिए। एक नंबर उन लोगों ने दिया हुआ था व्हाट्सएप नंबर कि ये नंबर पे जितने भी लोग ऑडिशन देना है इस फिल्म में अगर काम करना है तो आप लोग ऑडिशन अपना रिकॉर्ड करिए ना, ऑडिशन के साथ साथ इंट्रो ये नंबर पे भेज देना। बट अभी बहुत ऐसे लोगों का कमेंट आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि संजय यार वो जो नंबर उन लोगों ने दिया हुआ था वो नंबर है भाई भेजने पे ना कुछ टिक ही नहीं हो रहा। मैंने ही भाई ऑडिशन करके अपना भेजा हुआ था बट मेरे साथ वैसा ही हो रहा है, टिक ही नहीं हो रहा, बाकी कोई नहीं, मैं तो डायरेक्ट प्रोडक्शन वाले को ही भेज दिया है। देखो भाई होता है क्या यार, तो बट हाँ ये फिल्म को लेकर ना दो तीन चीज़ों पे ना बहुत बड़ी बड़ी अपडेट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस फिल्म में ना करीना कपूर की एंट्री हो गई है और बताया जा रहा है करीना कपूर का ना बहुत ही तगड़ा वाला रोल है, मतलब ऐसा अवतार में करीना कपूर को तुम लोगों ने आज से पहले नहीं देखा होगा। और यही वजह है करीना कपूर अभी के टाइम में हर जगह सिर्फ रॉकी बाबा मीन्स रॉकिंग स्टार यश की ही बातें करते हुए दिखाई दे रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि अभी के टाइम में उनका सबसे फेवरेट एक्टर है कौन, तो डायरेक्टली बोल रही है कि रॉकिंग स्टार यश, सिंपल खेल खत्म। और एक बार शाहिद कपूर से भी भाई कॉफी विद करण में करण जौहर ने पूछा हुआ था कि अभी का टाइम का तुम्हें क्या लगता है सबसे बड़ा स्टार कौन है, तो उन्होंने बोला हुआ था बेझिझक अभी का टाइम का सबसे बड़ा सुपरस्टार नन अदर देन रॉकिंग स्टार यस है यार, अभी के टाइम में है मेरे भाई है। और ये फिल्म वन सेकेंड में बोल रहा हूँ भाई जीतू मोहनदास की ड्रीम प्रोजेक्ट है और रॉकी बाबा ने बहुत ही अपना जो इसका भाई का थॉट होता है ना वो डाला है मास से ना और मासियर बनाने के लिए इस फिल्म को। क्या आएगा तुम लोगों को पता चलेगा मैन, ये इंसान ब्रिलियंट है भाई सिनेमा के नॉलेज के वाइज से ना, मतलब इतना ज़्यादा भाई के अंदर जो वो चीज़ें हैं ना कि उसको पता है क्या अभी ऑडियंस के सामने लेके आना है। यही वजह है कि फिल्म है ना कियारा आडवाणी की भी भाई एंट्री हो चुकी है। सो अभी तुम लोग को लग रहा है कियारा आडवाणी कैसे, अब हो गया है भाई एंट्री, बताई जा रही है कियारा आडवाणी इस फिल्म में हम सबको देखने को मिलने वाली हैं। और इसके साथ साथ साई पल्लवी भी है और इसके अलावा दो तीन लोग और भी हैं। खबर आ रही है कि भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एज अ विलेन कास्ट किया गया है, अब भाई आने वाला टाइम में ही पता चल जाएगा। लेकिन हाँ मेरे भाई खबर तो यही है कियारा आडवाणी नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड इनके अलावा श्रुति हसन भी तुम सबको इस फिल्म में देखने को मिलने वाली है। सारे लोग जल्दी ही ये फिल्म का जो शेड्यूल स्टार्ट होने वाला है अभी तो भाई प्रॉपर प्लान चल रहे हैं, सेट भाई बनाई जा रही है, वो चीज़ों को ये लोग जल्दी ही ज्वाइन करने वाले हैं। खासकर कियारा आडवाणी और श्रुति हसन को लेके पुख्ता खबर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ ये लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बट हाँ करीना कपूर तो भाई ऑलरेडी सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी है, मैंने भाई कल ही कंफर्म करा हुआ था कि हाँ क्या ये सच में ज्वाइन करी हुई है या नहीं करी हुई है, तो उन लोगों का भी कहना था कि हाँ वो प्रॉपर डील सब फाइनल हो चुका है। बट उनको जल्दी ही भाई सेट पर बुला लेना है, वो भी जल्दी ही सेट को ज्वाइन करने वाली है। और टॉक्सिक भाई आने वाला टाइम है तुम्हें ना दो चार पार्टों में देखने को मिल सकती है। एक चलो मैं तुम लोग एक तगड़ा वाला न्यूज़ भी ये बता दिया, ये लंबा ये भी फ्रेंचाइजी चलने वाली है टॉक्सिक मूवी का। बट हाँ मेरे भाई बॉलीवुड से बड़े बड़े एक्टर लोग हैं फिल्म में कास्ट हो चुका है, बड़ी चीज़ें हैं ना। और मेकर्स भी चाहते हैं ना कि हिंदी बेल्ट के जो ऑडियंस है ना वो फिल्म की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो। मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम में ना रॉकिंग स्टार यस इतना बड़ा स्टार बन चुका है ना कि इसको अब किसी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। सीरियसली यार ये भाई को क्या अट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगा यार, ये इंसान अपने में खिलाड़ी इंसान है। भाई को लेकर पब्लिक को पता है कि टॉक्सिक मूवी आ रही है और ये फिल्म KGF से भी बड़ी होने वाली है। KGF अगर यहाँ आता तो ये फिल्म इससे 2000 कदम आगे निकल के जाने वाली है। बट मार्केटिंग वाइज से भी थोड़ा ध्यान में रखा जाता है कि बॉलीवुड के एक्टर लोग अगर काम करेंगे तो थोड़ा ना थोड़ा तो हाइप क्रिएट होगा ही। बाकी तो भाई इसमें जस्ट एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लिया गया एज अ विलन, होप्स हो भाई नवाज भाई हो इस फिल्म में, नहीं होगा तो भाई देखते हैं भाई विलन कौन होगा। लेकिन हाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर तो भाई हरी झंडी आ रही है, श्रुति हसन को लेके भी आ रही है और इसके साथ साथ कियारा आडवाणी भी देखने को मिलेगी और इसके अलावा साई पल्लवी भी देखने को मिलेगी। भाई इतनी हीरोइन का भाई होगा क्या यार। और वैसे भी जो इस फिल्म में जो डायरेक्टर है जीतू मोहनदास वो थोड़ा ना अपने फिल्मों में ना वुमेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखती है, तो इस वजह से भी इतने सारे तुम्हें हीरोइंस देखने को मिलेगी इस फिल्म में। बाकी तो जब ये फिल्म आएगा तो हम सबको पता चल जाएगा। बट हाँ इसका ना जो कोर है ना माफिया के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है यार।
बाकी तो यार मैंने भी ऑडिशन कर दे के भेज दिया, बाकी देखो भगवान से प्रे करो यार कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मैंने तो भाई खतरनाक वाला दिया है यार, मतलब चला दूंगा तुम लोग भी हिल जाओगे यार। कोई नहीं यार, अपना ओपिनियन तो कमेंट करके जरूर बताना कि तुम लोग इस पे क्या कहना है, ये मूवी के लिए तुम लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो, इसके साथ साथ ये अपडेट तुम सबको कैसा लगा है, वंस अगेन ओपिनियन तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना। सो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, और हाँ ये वीडियो तुम सबको जरा ही पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मचाते रहो।